नहीं है। बाकी की स्टोरी अगले महीने। ओ, ये तो गलत बात है। मुझे कॉमिक इसलिए पसंद है क्योंकि राइटर ने डायलॉग्स अच्छे लिखे हैं। क्लाइमेक्स जाने के लिए अगले महीने तक वेट करना होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तुम चाहे जो भी कहो, मुझे नहीं लगता वो लोग वहाँ से बचकर निकल पाएंगे। अरे डोरेमोन, कैसी बातें कर रहे हो? मेन कैरेक्टर ही मर गए तो कहानी का क्या होगा? कहानी का अंत बहुत ही रोमांचक होगा, देखना। तुम्हें ऐसा लगता है? आइडिया, क्यों ना हम कार्टूनिस्ट से ही पूछ ले। क्या कार्टूनिस्ट? मैं पूछ कर आता हूँ। मिस्टर यादा, यादा मुझे जरूर बता देंगे क्या होने वाला है। ये रहा उनका घर। हेलो अंकल। अरे यहाँ पर इतने सारे शूज। लगता है मिस्टर यादा यादा के घर पर बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ घर पर कोई है क्या? मेरी नकल क्यों कर रहे हो? अच्छा, मिस्टर यादा यादा घर पर है क्या? वो इस वक्त कुछ काम कर रहे हैं। क्या बात है? मुझे उनसे मिलना है। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पर मुझे तो एक छोटा सा सवाल ही पूछना है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। डोरेमोन आ रहा है। सुनो, तुम अभी इस वक्त ऊपर नहीं जा सकते। मिस्टर याडा याडा अपनी कॉमिक लिख रहे हैं और तुम अभी वहाँ नहीं जा सकते हो। अरे मुझे एक छोटा सा काम है। मुझे तो बस यही पूछना था कि लायन मास्क में आगे क्या होने वाला है। तो ठीक है, अब मैं खिड़की से जाऊंगा। सुनिए सर, जल्दी से बताइए ना कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। Well, अभी तक इस बारे में मैं सोच नहीं पाया हूँ। क्या आपने अब तक नहीं सोचा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे बचाऊँ कैसे। कोई आइडिया ही नहीं आ रहा। क्या उसे मरने देना ठीक नहीं है? अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आपको सोचते हुए 2 दिन हो गए, और कितना वक्त लेंगे आप? तुम्हें क्या लगता है, स्टोरी लिखना बच्चों का खेल है? ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अब तो ये मुझसे भी नहीं हो रहा है। सर, अब तो आप मेरी स्टोरी लिख देंगे ना? नहीं नहीं सर, पहले मेरी स्क्रिप्ट। पहले मेरी। जाओ यहाँ से, इन्हें काम करने दो। अरे इसका मतलब इन्हें भी नहीं पता कि लायन मास्क में आगे क्या होगा। मैं 1 महीने तक इंतजार नहीं कर सकता। एक आइडिया। तो क्या तुम्हें कुछ पता चला? मैं फ्यूचर में जाकर लाइन मास्क पढ़ कर आता हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा। मैं फ्यूचर में आ गया हूँ, अब मुझे लाइन मास्क पढ़नी है। शॉप पर जाता हूँ। अरे ये रही। यहाँ तक तो मैं पढ़ चुका हूँ, आगे की स्टोरी ये रही। तो ये हुआ था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कैसे हो सकता है? आगे पढ़ता हूँ। अरे अगर किताब पढ़नी है तो इसे खरीदना पड़ेगा, यहाँ पर मत पढ़ो। अरे तुम वापस आ गए, इस बार कुछ पता चला? हाँ थोड़ा सा। तो फिर वो दोनों बच जाते हैं, ऐसा ही है ना? पता है क्या हुआ था? जब वो दोनों वहाँ होते हैं, नहीं बताऊंगा। तो बताओ ना, लायन मास्क में क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है लायन मास्क में आगे क्या होने वाला है? डोरेमोन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बता दो आगे क्या होगा। प्लीज डोरेमोन, हमें भी बता दो। डोरेमोन, ठीक है बताता हूँ। ये तुमने अच्छी बात कही। उसके बाद सीन बदल जाता है और फिर आता है लाइन मास्क का छोटा भाई, जिसका नाम है दोस्तों लिटिल लाइन मास्क। और फिर लिटिल लाइन मास्क कहता है कि भाई तुम डरो मत, मैं तुम्हें इन सब से बचाऊंगा। और फिर वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है।
और फिर बाकी की कहानी एक सीक्रेट है। इतना बताने के बाद तुम कहानी बीच में नहीं छोड़ सकते। हाँ, ऐसा मत करो। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये मैं भी जानना चाहता हूँ कि कॉमिक में आगे क्या होने वाला है। आपकी कॉमिक है, आपको ही पता होगा। क्या आपने लिखी है लाइन मास्क? प्लीज प्लीज मुझे बता दो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे बता दो मैं क्या लिखूँ। जो आपकी मर्जी हो वही लिख दीजिए। अरे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। अरे सर, अरे प्लीज प्लीज मुझे बता दो क्या कर रहे हैं। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर नए आइडियाज के लिए आया था। अरे इसको पता है आगे क्या होगा? अरे पर इस रोबोट को आगे की कहानी कैसे पता हो सकती है? प्लीज बता दो, तुमने नहीं बताया तो मैं काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। सच तो ये है कि मैंने उसके आगे पढ़ा ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसके आगे क्या होगा। क्या? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वो बुक खरीद लेता। क्या? तुम उसे खरीद सकते थे? पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है, पर ये लो। आपका शुक्रिया, मैं अभी आता हूँ, मेरा इंतजार करना। सर जब तक वो आता है आप चलकर अपनी कॉमिक पर काम क्यों नहीं करते? अब जाकर मैं उसे खरीद लेता हूँ। अरे नहीं, ये क्या, ये तो मैं ही हूँ। जब मैं दुकान में खड़ा होकर कॉमिक पढ़ रहा था तो मुझे डांट पड़ गई थी। देखता हूँ इसके साथ क्या होता है। अरे निकलो यहाँ से, अरे निकलो। ये रही। अरे तुम फिर से आ गए मुफ्त में किताब पढ़ने, भागो यहाँ से। मैं इस कॉमिक को खरीदने आया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। अगर ये स्टोरी भी फाइनल कर ले तो इतनी बुरी नहीं है। आपका क्या कहना है सर? ये स्टोरी उतनी खास नहीं लगी मुझे। और वो रोबोट आखिर कहाँ रह गया? आप कहाँ जा रहे हैं सर? वॉशरूम जा रहा हूँ। जल्दी आइएगा। इसका एंड तो काफी फनी है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अरे तुम आ गए। माफ कीजिएगा, ये लीजिए। क्या? अरे ये तो अगला इशू है, इसे मैंने अभी खत्म भी नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं, ये ज्यादा जरूरी है, मुझे स्टोरी खत्म करनी है। मैं भी आता हूँ। देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं स्टोरी जल्दी खत्म कर लूँ तो प्लीज बाहर वेट करो। ठीक है, कहानी के लिए गुड लक। तो लायन मास्क ने उसे मरने से बचा लिया, लेकिन मुश्किल तब आई जब लिटिल लायन मास्क भी पकड़ा गया। क्या? लिटिल लायन मास्क अब तुम नहीं बच सकते। टू बी कंटिन्यूड। अरे ये क्या, ये स्टोरी ऐसे खत्म नहीं हो सकती है। अरे पर ये आपने ही तो लिखी है ना। अब क्या फिर से मुझे सोचना पड़ेगा कि इसके आगे क्या लिखना है? आप सही कह रहे हैं। मैं भी कितना लापरवाह हो गया हूँ। आखिर अब मैं क्या करूँ, बताओ मुझे तुम। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? काश मुझे पता होता आगे क्या होने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि मैं 2 महीने आगे जाकर आगे की कॉमिक भी ले आऊँ? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं ले आया हूँ। और फिर सीन बदल जाता है। लिटिल लायन मास्क का कजिन टर्टल मास्क वहाँ आता है। वो भी पकड़ा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बुरा हुआ। तो फिर अब आगे क्या होने वाला है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी मदद क्यों लेता। सर स्टोरी पूरी हो गई क्या? थोड़ी देर में काम हो जाएगा, आप जाइए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मुझे इसे ही कॉपी करना होगा। सर आपकी कहानी आगे बढ़ी क्या? सर जल्दी कीजिए, अभी आपको मेरी स्टोरी भी लिखनी है। मैं ये सब नहीं कर सकता। जाओ जाके सारे इश्यूज ले आओ, मुझे जानना है आगे क्या होगा। कितनी अजीब बात है, उन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्होंने क्या लिखा है। क्या हुआ आपको? आप
ठीक तो है ना? मेरा सर घूम रहा है, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। लेकिन सारा काम तो मैं कर रहा हूँ ना। हाँ तुम, क्यों ना तुम मेरी जगह सारे इश्यूज कंप्लीट कर दो। क्या मुझे करना होगा? हाँ अब सब तुम्हारे हाथ में है। अभी तो इतनी सारी कहानी लिखनी है, कैसे होगा? इस कॉमिक के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, और इतनी सारी मेहनत के बाद अब इसे कॉपी भी मैं ही कर रहा हूँ। जब ये छपेगी तो इसका असली ऑथर कौन होगा? वो मैं होऊंगा या मिस्टर यार?